तो जैसा कि मैंने दिखाया था अपने लास्ट वाले ब्लॉग में कि हमने होटल बुक कर लिया है और फाइनली हम ऊटी में हैं। तो ये हमारा रूम है और हमने बुक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, यहीं आसपास कहीं चले जाएंगे। तो चलते हैं डिनर पे, फिर दिखाते हैं आपको। तो हम निकल चुके हैं डिनर के लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बहुत अंधेरा है, तो इतना क्लियर नहीं है। चारों तरफ जंगल है, मतलब बीच में रोड है और दोनों दोनों साइड जंगल है। तो काफ़ी ठंड भी है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट, जहाँ पे हम कुछ खाना वाना खा सकें। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। हम जंगल के बीचों बीच हैं और थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोका था और अभी हम चल रहे हैं। हम हार्डली 5-7 मिनट में हम मार्केट पहुंच जाएंगे। तो हमारी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। ठंड है बट मज़ा आ रहा है। तो अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं मार्केट। So this is the Charing Cross. I'm with my beautiful person of my life. This is Charing Cross from the Ooty. अरे हम लोग डोमिनोज तो दिखा दो। डोमिनोज भाई बड़ा सही डोमिनोज है यार। क्या खाना है? बेस्ट साउथ इंडियन फूड आपको ऊटी में मिल जाएगा यहाँ। फाइनली हमें KFC भी दिख गया, ब्लैक फॉरेस्ट। अभी रात के 10 बज रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, और हमारे रांची में रात के 10 बजे तक सब कुछ क्लोज हो जाता है। ठंड है यहाँ भी बट अच्छा लग रहा है। ये है ऊटी का पार्सल बॉक्स, माय बॉक्स पिज्जा हट। यहाँ एक अच्छी चीज़ और है कि यहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। आप प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी की बॉटल्स नहीं मिलेगी। 5 लीटर वाला बॉटल आपको लेना होगा, छोटा बॉटल नहीं मिलेगा। इवन कोल्ड ड्रिंक्स के भी बॉटल्स नहीं मिलेंगे, कैन मिलेंगे आपको। और सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को और प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो प्लास्टिक नहीं, आपको खुद का कैरी बैग, कपड़े का कैरी बैग लेके आना होगा। एक और है होम डिलीवरी। एक था माय बॉक्स और एक है होम डिलीवरी। चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स ऊटी में बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये होममेड चॉकलेट्स है। एज यू कैन सी दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, और बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इनकम इज मेकिंग होममेड चॉकलेट्स, वाइन्स, स्पाइसेस। तो यही है इनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। दीज आर होममेड वाइन्स। ओके, दीज आर होम मेड वाइन्स। ओके, ये सारे होम मेड वाइन्स। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे होममेड खुद से लोग घर पे वाइन्स और चॉकलेट्स बनाते हैं, और इनका सोर्स ऑफ इनकम इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो हमने काफ़ी जगह घूम लिया है और अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। तो हमने डिनर भी पैक करवा लिया है और अब हम जा रहे हैं होटल और फिर डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। इतना ही।